नेटवर्क ऑपरेटर डिफरेंट डिफरेंट फ्रीक्वेंसी बैंड पे हमको इंटरनेट प्रोवाइड कराते हैं, और किस फ्रीक्वेंसी बैंड में प्रोवाइड करा रहे हैं तो ये स्टेट पे भी डिपेंड करता है और नेटवर्क ऑपरेटर पे भी, और किस वक्त हमारा फ़ोन किस बैंड से कनेक्टेड होगा ये कई चीज़ों पे डिपेंड करता है, जैसे फॉर एग्जांपल फ़ोन की एल्गोरिथम और साथ में जैसे और भी जैसे नेटवर्क की सिग्नल स्ट्रेंथ। फॉर एग्जांपल अगर सिग्नल स्ट्रेंथ अच्छी है तो फिर मोस्टली आपका फ़ोन ज़्यादा फ्रिक्वेंसी वाले बैंड से ही कनेक्टेड होगा जिसमें आपको ज़्यादा डाटा की अच्छी स्पीड मिल सके। लेकिन अगर हम इसे अपने हाथ में लेना चाहें, ये हम अपनी मर्ज़ी से चूज़ करना चाहें भी कौन से फ्रिक्वेंसी बैंड से हमें कनेक्ट होना है तो वो कैसे कर सकते हैं, उसके लिए मीडियाटेक के प्रोसेसरों में ये बहुत आसान प्रोसेस है। आपको बस कुछ कोड डायल करना है और आप बड़ी आसानी से कर सकते हैं, लेकिन स्नैपड्रैगन के फ़ोन में आप ये नहीं कर सकते। उसको करने के लिए आपको अपने फ़ोन को रूट करना होगा, लेकिन सैमसंग के फ़ोन में आपको एक ये फीचर मिल जाता है कि आप किसी भी बैंड में लॉक कर सकते हैं, चाहे आपके फ़ोन में एक्जिनोस का, मीडियाटेक का या स्नैपड्रैगन का ही प्रोसेसर क्यों ना हो। तो आज की इस वीडियो में मैं इसी बारे में बात करने वाला हूँ। मेरे पास है सैमसंग M51 और मैं इसमें ये चेक करने वाला हूँ कि आखिर इस फीचर का यूज़ कितना का है, क्या इससे सच में डिफरेंट फ्रिक्वेंसी बैंड में हमको डिफरेंट स्पीड मिलती है, और अगर डिफरेंट स्पीड मिलती है तो उनमें कितना ज़्यादा डिफरेंट होता है और कितना ज़्यादा यूज़फुल हो सकता है। तो इसके लिए मैंने जो सबसे ज़्यादा वर्स्ट टाइम जो मैंने सेलेक्ट किया है वो यही है, अभी लगभग 10:15 का टाइम है और इस वक्त इंटरनेट की स्पीड आपको पता ही है कैसी है। तो मैं ये चेक करने वाला हूँ, एयरटेल और वोडाफोन की दो सिम है मेरे पास, उन पे मैं चेक करने वाला हूँ आखिर डिफरेंट फ्रिक्वेंसी बैंड में कितनी स्पीड आती है, और इसके लिए मैं ओकला की स्पीड टेस्ट एप्लीकेशन का यूज़ करने वाला हूँ। एप्लीकेशन का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, इसको ओपन करना है। इसके बाद हम अपने को कॉल सेटिंग्स में जाना है, इसमें कॉल सेटिंग पे क्लिक करने के बाद काफ़ी सारे ऑप्शन खुल जाएंगे, इसमें जो लास्ट लास्ट कॉल सेटिंग वाला ऑप्शन है इस पर क्लिक करना है और ट्राई पे क्लिक करना है। इसके बाद तीन डैशेस पे क्लिक करना है और बैंड सिलेक्शन का ऑप्शन मिल जाएगा यहाँ पे, जो हमारा फ़ोन जितने भी बैंड सपोर्ट करता है वो सारे शो कर देगा। One eternity later.